गुड इवनिंग. वी विल स्टार्ट इन अनदर मिनिट और सो. आई होप आई एम ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल. ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. Good evening. I hope you haven't answered me in chat box or answered. No. Just put in chat box whether I'm properly audible and the presentation is visible. Yes. Okay. So today's lecture is our 49th lecture. I hope you are revising previous 48 lectures. This particular presentation or data content is from internet. This is what we are learning. Almost 38-39 constellations we have covered, and the remaining 50 we will cover in due course of time. Today we will be covering Draco constellation, that is Kaliya naam ka ek saap hai, uske bare mein aaj padhenge. Then Era yani Pit, Pit matlab Vyas Pit jaisa type ka koi cheez jo aasman mein ek jagah pe located hai, us constellation ke bare mein padhenge. Unke मेसियर या डीप का ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर है वो पढ़ेंगे. इफ टाइम परमिट्स वी विल स्टडी लूनार लेक आल्सो एंड सम लिटिल बिट ऑफ एमसीक्यू टाइप का टेस्ट भी आज मैं आपका लेने वाला. ओके, तो यहाँ पे ये चित्र देखना हमेशा ही जरूरी है कि हम क्या क्या खत्म करते, क्या क्या कॉन्स्टिलेशन खत्म करके आगे बढ़ रहे. आई होप इसके ऊपर आप हमेशा ध्यान देते होंगे. ये चित्र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि we are planning for the online sky observation session. So yahan kitne log hai abhi main dekhta hu. Angel, Avirat, Bhavya, Omkar, Padmaja, Rupali, Sania. Okay, so pehle kuch doubts the Sania ke wo clear karta hu. Sania, whether you are preparing for UPSC or you are preparing for some any general knowledge ka jahan bahut importance hota hai aise examination ke liye, आपको हर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए. स्पेशली यूपीएससी की बात करें तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्पेशल सब्जेक्ट ही, तो एस्ट्रोनॉमी का लिटिल एक्स्ट्रा नॉलेज विल बी हेल्पफुल. सो इसलिए इस क्लास में क्लास को हमने इंक्लूड किया. बाकी बच्चे यूपीएससी के अटेंड नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द एग्जाम शेड्यूल एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो जो आपके बाकी अदर टॉपिक्स है उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे थे. यू आर अवेलेबल इन केस आकांक्षा जॉइंस, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीक और सो. तो इसके बारे में आपसे मैं सेपरेटली कल बात करूंगा, या आप मुझे फोन कर दीजिए, पर पहले व्हाट्सएप से मैसेज करके टाइम फिक्स कर लीजिए. सो कमिंग टू कि हम मैं सोच रहा था कि व्हाई नॉट टू प्लान सम ऑनलाइन सेशन, स्काई ऑब्जर्वेशन सेशन ऑन फ्राइडे. मतलब तकरीबन 6:37 के बीच में सनसेट होता है, ट्वीलाइट का पीरियड पकड़ेंगे तो भी एक 7:15 को स्काई में स्टार्स एंड बाकी चीजें दिखने लगती है. अभी हु इज सिचुएटेड वेयर ये अभी जानेंगे, इसलिए आप चैट बॉक्स में अभी लिखेंगे कि कौन कहाँ रहता है. मतलब मुझे समझ में आए ऐसी जगह आप लिखेंगे. सपोज मुझे लिखना है तो मैं सिर्फ शिरडोन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा शिरडोन विलेज, पनवेल तालुका, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़,
ऐसे लिखूंगा, तो आप भी सब लोग लिखेंगे, कुछ लोगों का मुझे पता है, बट फिर भी एवरीबडी राइट्स दैट विल बी बेटर। जस्ट पुट इन चैट बॉक्स आपका एड्रेस, एड्रेस छोटा मोटा, जिससे मुझे पता चले कि आप कहाँ रहते हैं। मैसेजिंग डिले हो रहा है कि आप लोग लिख नहीं रहे? लिखने में टाइम लगता है, सॉरी। गढ़हिंग्लज, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, तो इससे आपका ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, लॉन्जिट्यूड तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेटिट्यूड थोड़ा बदल जाएगा, मीरा रोड ठाणे, ओके, गढ़हिंग्लज, ओके, गढ़हिंग्लज इज ओके नीचे की तरफ, और ओके औरंगाबाद इज ओके, सिटी औरंगाबाद के आसपास में है, अभी सीबीडी बेलापुर, ओके नेक्स्ट, आगे सब लोग ऑल हैव बीन कवर्ड, चेंबूर सानिया रेड, चेंबूर आ गया, रूपाली कर रहा हूँ, रूपाली शेट्टी हैज आंसर्ड, हाँ उन्होंने लिखा, ओके ठीक, देन हुज पेंडिंग, पेंडिंग इज मिस्टर ओंकार, ओंकार राहुल व्हाट इज प्रॉब्लम, लिखो भाई एड्रेस, ओंकार राहुल करके जो एंट्री है आप अपना लोकेशन तो लिखो, आपको एड्रेस लिखना है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हाथ रेज करने का क्या मतलब, चलो नॉट टू वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, ओके सो मैं बात कर रहा था कि ये जो आप जहां पे हो इट्स वेरी क्लोज, मतलब हम सब लोग ऑलमोस्ट एक नियर विसिनिटी वाले लॉन्जिट्यूड पे है, ओके तो मतलब सनसेट सनराइज का टाइमिंग हमारे यहाँ चेंज नहीं हो रहा। अभी अगर हम बात करें कि हम लोग नॉर्थ पोल से दूर जा रहे हैं, यस मुंबई वाले लोग, ठाणे, ये सब एक एरिया में है, औरंगाबाद भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सिमिलर लैटिट्यूड पे रहेगा, बट जो गढ़हिंग्लज मतलब गोवा या कोल्हापुर है उनका ऑब्वियसली लैटिट्यूड बदल गया, तो ये सारी चीज से जैसे कि हमको 19 डिग्री पे दिखेगा पोल स्टार तो उनको थोड़ा नीचे की तरफ दिखेगा, ओके तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग कोशिश करें अपने अपनी जगह से तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर पाए। अभी इसके लिए ऑनलाइन मुझे प्रेजेंट मतलब गूगल मीट से ही अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऑनलाइन तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा स्टेलेरियम या फिर स्काई मैप, और फिर आपको टेरेस पे या आपको किसी ओपन जगह पे गूगल मीट से कनेक्टेड रहते हुए देखने की कोशिश करनी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, क्या पहले इंटरेस्टेड को छोड़िए, ओके पहले ये बताइए कि बाई एनी चांस यू फील दैट दिस विल बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग होगा ऐसा लगता है क्या, अपना ओपिनियन दीजिए, डोंट फील बैड, इसमें कुछ बैड फील करने वाली बात नहीं है, तो ओके कोई तो लिखा यस करके अविरत एंजल, ओके तो जो मुंबई वाले हैं उनको तो बहुत तकलीफ होगा कि दिखेगा कि नहीं पता नहीं, और बहुत सारे लोग मतलब स्पेशली एंजल की बात करें, भव्या की बात करें, सानिया की बात करें, तो दिस पीपल आर फ्रॉम दी मुंबई एरिया, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल ही है, बट फिर भी दैट्स ओके, एंड बाकी यू विल एंजॉय, मतलब जो दूर के है गढ़हिंग्लज एरिया वगैरह ना और औरंगाबाद, उनको थोड़ा इससे मजा आएगा। अभी दूसरा सवाल, ओके आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, दूसरा सवाल कि वी आर गोइंग टू मेक इट पब्लिक, मतलब सबको माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे, आप इंटरेस्टेड हो तो आपके एंट्री जो दिखेगी उसको हम चाहिए तो माइक और मतलब होस्ट बना देंगे तो माइक और वीडियो आपका ऑन हो जाएगा, तो आप सवाल पूछ भी सकते हो, कुछ डाउट है तो बात कर सकते हो, बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे
ऐसा सोच रहा हूं मैं, तो अविरत माइक ऑन करो। यस सर। कितनी वर्ष तक है भैया? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैनेज करे सर। ना कितनी वाजता येता? मला 6 ते 7 वाजता सर समजा घरी पोहोचायला। हाँ म्हणजे उद्या शुक्रवारचं जर तुम्ही बघणार असाल तर आपण 7 तर म्हणतोय। हाँ सुरुवातीला सुरुवात में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर जनरल मैसेज डाल रहा हूं मैं एंड सपोज बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं तो कैवोज होगा। तो आई विल टेक वन पीपीटी, उस पीपीटी में ऑब्जर्वेशन मतलब आप लोगों को तो वो रिविजन हो जाएगा, बट एक आधा घंटा में बात करूंगा कि स्काई ऑब्जर्वेशन में किस तरीके से जाना होता है। तो वो बात किया, फिर स्काई मैप प्रेजेंट करके उनको थोड़ा बताया कि अभी आप देखिए, इवन आई विल ट्राई टू सिट ऑन द टेरेस, मैं भी टेरेस पे बैठ के ही लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। स्काई मैप में देख के लेक्चर नहीं दूंगा, टेरेस पे बैठ के लेक्चर देने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ओके, तो इस बाकी लोग तो हाँ बोल रहे हैं बट लेट अस सी कि कितना ये इंजॉयबल होता है। बहुत सारे लोगों ने तो देखा होगा तो उनके लिए कोई फन होगी नहीं मालूम, बट नए लोग आएंगे शायद उनको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लग सकता है। ओके, तो वी विल ट्राई इट ऑन फ्राइडे इवनिंग एज अवर सेशन एंड टाइम विल बी अराउंड 7, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। 7, 6:45 भी बोलूं तो भी शुरू तो 7 बजे या 7 बजे के बाद ही करेंगे जब स्काई कंडीशंस विल बी ऑब्जर्वेबल। तो ये आज आपसे डिस्कस करना था और आपका ओपिनियन लेना था जिस बारे में एवरीबडी इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी पॉजिटिव, सो इट्स नाइस। नाउ आई होप नोबडी इज बिजी विद सम इमीडिएट असाइनमेंट और एग्जाम, स्पेशली बड़े बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ बड़े बच्चों में वी हैव सानिया, बाकी भव्या, इट्स ओके, बाकी सब तो 8वीं 9वीं वाले बच्चे हैं मेरे ख्याल से। रूपाली शेरके और पद्मजा गावड़े, आपका जो एंट्री है यू जस्ट टेल मी कि आप लोग कौन से क्लास में हो, जस्ट पुट इन चैट बॉक्स, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। 7th, ओके, एक 7th, नेक्स्ट गावड़े या फिर एंजल, आप कौन से क्लास में हो? तो मतलब 7th वाले लोग, तो मतलब नथिंग, ऐसा कोई हार्ड प्रेसिंग पढ़ाई का रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, सो वी कैन स्पेंड सम 1 आवर एक्स्ट्रा इन दिस वीक ऑन दिस दिस थिंग। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड सीइंग जुपिटर सैटर्न थ्रू टेलीस्कोप, क्योंकि जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, 6th इज बेसिकली ईटा एक्वेरिडिस है, मतलब ईटा एक्वेरिडिस मीटियोर शॉवर का पीक है। तो ईटा एक्वेरिडिस अप्रोक्सीमेटली 2 बजे राइज करता है, वो मतलब एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन 2 बजे राइज करेगा आसमान में, और 4:30 बजे आसमान में एक्वेरिडिस भी दिखेगा, वीनस भी दिखेगा, मार्स भी दिखेगा, जुपिटर भी दिखेगा, सैटर्न भी दिखेगा। तो 7 तारीख की सुबह टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, 7 तारीख की सुबह नहीं तो 8 तारीख की सुबह हो सकता है, बट देन देन एक्वेरिडिस का जो पीक है वो नहीं देखने मिलेगा। तो इस मामले में कोई कुछ ओपिनियन देना चाहता है कि सर अगर 6 को रात को हमने लेक्चर किया बट आएंगे कैसे आप 7 को सुबह, मतलब लेक्चर करने के बाद खाना खाने के बाद आपको ड्राइव करके हमारे घर पे आना पड़ेगा, सो दैट यू रीच हियर बाय अर्ली मॉर्निंग 3:30 4:30, फिर हम लोग बैठ के स्काई ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर सुबह आप लोग घर जाएंगे। आई नो आई नो, मैं थोड़ा जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है बट जो करना पड़ सकता है वो मैं आपको बताया। क्लाइमेटिक कंडीशंस पिछले 2 दिन से 2-3 दिन पहले बहुत ही अच्छा था, वेरी वेरी नाइस सीन, मतलब सब कुछ मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से भी बहुत कुछ दिख रहा था, टॉप फ्लोर के टेरेस से तो बहुत कुछ ही दिख रहा था, बट आई डोंट नो सडनली क्लाउडी हो जाता है वेदर, तो ये सब पता नहीं है। लेट अस ट्राई फॉर द 6th इवनिंग। 6th इवनिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लेट नाइट में आपको एक्वेरिडिस और मतलब अर्ली मॉर्निंग ऑफ द 7th और बाकी सब चीजें देखने मिल सकती। बात का कंडीशन जैसे ही हम लोग मई में आगे बढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे आसमान बहुत ज्यादा क्लाउडी होने लगता है, तो ये सब चक्कर में मेरे ख्याल से अपना सॉरी प्रेजेंटेशन चला गया, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं बात करता रहा आप लोग, सॉरी अभी उसको पहले मुझे बाहर आना पड़ेगा, फिर से स्टॉप शेयरिंग करके स्क्रीन शेयरिंग करना।
give me second. ओके तो हम इस आसमान की बात कर रहे थे कि इस तरीके से 38 कॉन्स्टिलेशन जो हमने देखे हैं उनको मैंने लिस्ट आउट करके आज मैं ड्रैको की बात कर रहा हूँ, बट थोड़ा आगे लेके जाके मैं आपको जो स्काई कंडीशन दिखाना चाह रहा था ये है 16:05 और ये है 30:04 तो तकरीबन और कितने बजे का है ये 8 बजे का 30:04 का मतलब 7:30 का बोल सकते हैं आज की कंडीशन का और ये वेस्ट डायरेक्शन तो जस्ट अप्रोक्सीमेटली 7:30 7:15 को ये कंडीशन रहेगा सॉरी इससे भी थोड़ा बेटर कंडीशन रहेगा। इस कंडीशन में हमको 6 को इवनिंग को मर्क्यूरी दिख सकता है सनसेट के जस्ट बाद वहां पे वेस्ट होराइजन पे मर्क्यूरी दिखने के चांसेस है आपको सॉरी बट मुंबई वालों के लिए नहीं सिटी वालों के लिए नहीं जो थोड़ा गांव में है जहाँ क्लाइमेट क्लियर है होराइजन क्लियर है और आपका इल्यूमिनेशन मतलब लाइट्स ज्यादा नहीं है नहीं तो फिर हमको ओरायन दिखेगा कैनिस मेजर मतलब सीरियस दिखेगा सीरियस के पीछे की तरफ कैनोपस दिखेगा फिर गेटवे टू द हेवंस दिखेगा यहाँ जो आपको जेमिनी दिख रहा है वो ओरिगा दिखेगा कैंसर हाइड्रा लियो ये अच्छे से दिखेंगे तो ये सारी चीज का दिखने का चांसेस है ऑन दी फ्राइडे तो देखिए आप क्या सोचते हैं और कैसे होता है ऑनलाइन में आपने इंटरेस्ट दिखाया तो हम उसको जरूर करेंगे आज पढ़ेंगे ड्रैको कॉन्स्टिलेशन आप यहाँ देख भी सकते हो आराम से आप अपने स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो ये अब तक सबको मालूम हो गया होगा तो मैं जूम नहीं कर रहा हूँ ये ड्रैको कॉन्स्टिलेशन यहाँ जो स्टार में लाइन डायग्राम बना के उल्टा दिखाया है वो सामने फोटो में थोड़ा बड़ा दिखाया है उसको उल्टा करके तो ये ड्रैको नाम का एक सांप जैसा दिखने वाला चीज है जो आसमान में है सर्कमपोलर है मतलब पोल स्टार के आसपास इर्द गिर्द घूमने वाली ये कॉन्स्टिलेशन है। यहाँ पे आपको उसका एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाया है थोड़ा मैं मेरे लिए जूम करता हूँ और इसका यहाँ पे स्काई मैप में दिखाया हुआ फोटोग्राफ तो आप देख सकते हो कि इसमें बड़ा दिखाया हुआ तारा जो है वेल्टानीना है और घूम फिर के आप लास्ट में जाओगे तो सेकंड लास्ट आपको एक थुबान नाम का तारा दिखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो थुबान के बारे में हम बात करेंगे यहाँ जो आपको दिख रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे बट उसके पहले थोड़ा ड्रैको कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद में ये सर्कमपोलर जो मैंने बोला वो यहाँ आपको दिखेगा कि अर्सा माइनर जो है ओके पोलारिस जिसमें है वो पोलारिस के परफेक्ट अराउंड आपको सेफियस कॉन्स्टिलेशन दिखेगी कैमिलो पार्डिलिस दिखेगी फिर ड्रैको दिखेगी उसके आसपास में लाइनेक्स और अर्सा मेजर है तो इसीलिए इसको सर्कमपोलर बोला जाता है। Now we will go into the bit theoretical part of the Draco constellation. तो उसके लिए मैं ये जो International Astronomical Union का बनाया हुआ मैप है वो आपके सामने छोड़ता हूँ एंड देन मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। मैं बहुत सारे किताब रेफर करता हूँ तो उनमें से एक किताब जो है वो प्रदीप नायक जी की तारांगण नाम की किताब है और बाकी मैं इंटरनेट के वेरियस सोर्सेस इस्तेमाल करता हूँ। तो कॉन्स्टिलेशन ड्रैको इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई ये बेसिकली ग्रीक कॉन्स्टिलेशन है फर्स्ट कैटलॉग बाय द ऑफकोर्स ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी इन द सेकंड सेंचुरी इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर रिप्रेजेंटिंग लैडन अभी ये लैडन मतलब बेसिकली ड्रैगन द ड्रैगन दैट गार्डेड द गार्डन्स ऑफ द हेस्पिराइड्स इन ग्रीक माइथोलॉजी अभी ये जो हेस्पिराइड्स है उसकी स्टोरी हम आगे जाके पढ़ेंगे। It's also means the dragon in Latin. So Draco is a circumpolar constellation, जैसे मैंने बोला था ये कभी भी सेट नहीं होता है बिलो horizon. सिर्फ सनराइज होने के कारण वो हमको सॉरी थोड़ा कभी कभी नेटवर्क और लाइट का इशू मेरे इधर होता है तो ये circumpolar होने के कारण horizon के नीचे जाता नहीं है बहुत सारे observers के लिए northern hemisphere में इसमें 9 तारे हैं, 9 जिनको 9 तारों को जिनको प्लैनेट्स है कंटेन्स 1 मेसियर ऑब्जेक्ट M102 और बहुत सारे डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कैट्स आई नेबुला है स्पिंडल गैलेक्सी टैडपोल गैलेक्सी है
वन मिट्टी और शॉवर भी है इसके साथ एसोसिएटेड, जिसको ड्रैकोनीड्स बोला जाता है. ओके okay? फॉर्मली 17 तारों का नाम है ड्रैको कॉन्स्टिलेशन के, अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. इनके नाम जो है आप उसमें बहुत सारे अल देखोगे, क्योंकि अरेबियन सिविलाइजेशन ने इसको जतन करके उस किताबों को बचाया था ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड. तो अल दिवाह है, अल राकीस है, अल रुबा है, अल साफी, अल्टीस, अथेबाइन, डेजीबान, इडेसिच, इल्टनियानिन, फाफनीर, फुनी, गेजर, ग्रुमियम, रस्तबान, ताई, थुबान और ताइनी, ये इतने सारे नाम वाले 17 फॉर्मली आइडेंटिफाइड तारे इस कॉन्स्टिलेशन में है. ब्राइटेस्ट वन इज द एल्टानी. माइथोलॉजी एसोसिएटेड जो है उसकी बहुत सारी स्टोरियां है, मैं आपको सिर्फ एक दो सुना देता हूँ कि भाई ये जो ड्रैको कॉन्स्टिलेशन है इसका कनेक्शन इन्होंने ग्रीक, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में जो एक सांप है उससे जोड़ा है. इसकी कथा जो है वो एक थीबस नाम का जो सिटी है उसका जिसने एस्टेब्लिशमेंट बनाया, वो जो कैडमस नाम का व्यक्ति था उसने ही ड्रैको को मार डाला था, ऐसा है. कुछ और कथा के अनुसार ड्रैको ने, मतलब ड्रैके नाम के इस जीव ने जब एथेना पे हमला किया, तो ये जो एथेना नाम का मतलब शख्स है उसने बेसिकली ड्रैको को आसमान में फेंक दिया था. बट जो इंटरनेट पे लेटेस्ट मेरे पास जो माइथोलॉजी की डिटेल स्टोरी है वो मैं आपको सुनाता हूँ. इसमें ड्रैको वाज द फर्स्ट कैटलॉग टॉलेमी ने, तो ये पुराने जमाने से आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिलेशन है एटलीस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर के एकदम एक्सट्रीम साउथ पोल की तरफ के लोगों को ये दिखता ही नहीं होगा, बट हमको दिखता है. तो ये जो ड्रैको है ये बहुत सारे और माइथ्स के साथ एसोसिएटेड है. उनमें से एक है कि हरक्यूलस को, ओके, जो 12 कठिन काम दिए गए थे उसमें से एक काम ये भी था कि भाई उसको किसी एक जगह पे जहाँ पे ड्रैको नाम का महासाप, एक बड़ा सांप किसी गोल्डन एप्पल ट्री की रक्षा कर रहा है, वहां से एप्पल चोरी करके लेके आने. तो जब वहां चोरी करने गया तो उसका ड्रैको से मुकाबला हुआ और उसने उस लड़ाई में ड्रैको को मार दिया. अब ये गोल्डन एप्पल वाली स्टोरी क्या है बेसिकली, तो गोल्डन एप्पल एक वो हेस्पिराइड्स के गार्डन्स में था. द एप्पल ट्री वाज द वेडिंग प्रेजेंट टू द हेरा. हेरा नाम की जो क्वीन थी जिसने जब ज्यूस से शादी किया तो उसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे ये प्लांट मिला था. उन्होंने अपने गार्डन में उसको प्लांट किया एंड देन लेटर She put Atlas daughter the Hesperides for guarding. इस पेड़ के गार्डिंग के लिए उन्होंने उनको अपॉइंट किया और साथ ही में एक लैडन नाम का ड्रैगन जो है उसको भी इस एप्पल ट्री पे छोड़ दिया, ताकि जिसको गार्ड करने के लिए रखा है वो गार्ड करने वाला व्यक्ति या वो लेडी शुड नॉट स्टील एप्पल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्री. तो जब 12 जो कठिन काम में से एक काम हरक्यूलस को ये दिया गया कि भाई उसको इस एप्पल ट्री से वो चोरी करना है, तो ऑब्वियसली चोरी करने के पहले उसको लैडॉन को, मतलब ड्रैको नाम के सांप को मारना पड़ा. और उसके इस हेरोइक डीड के लिए ड्रैको भी को भी आसमान में जगह मिली और हरक्यूलस को भी मिली. ट्रेडिशनल अरेबिक एस्ट्रोनॉमी डज नॉट डिपिक्ट एनी ड्रैगन. अभी चाइनीज एस्ट्रोनॉमी हो या इंडियन ट्रेडिशन हो या अरेबिक एस्ट्रोनॉमी हो, इन सब में अपने अपनी स्टोरीज है. तो ऑफकोर्स जब अरेबिक सिविलाइजेशन आप बात करोगे तो आप वहां पे सैंड, मतलब आपको सैंड के ड्यून्स मिलेंगे, मतलब रेती के पहाड़ या चट्टाने मिलेंगी, जैसे हमने मम्मी फिल्म में देखी थी या जब आप जैसलमेर जाते हो तो देखते हो, और उसके साथ कैमल्स दिखेंगे. तो ये यहाँ इस ड्रैको कॉन्स्टिलेशन की जगह पे अरेबिक सिविलाइजेशन ने दो हैनास दिखे जो एटा ड्रैकोनिस और जेटा ड्रैकोनिस नाम के तारे. फिर यह हैना किस पे अटैक कर रहे हैं, तो एक बेबी कैमल पे जो एक डीम स्टार है बीटा ड्रैकोनिस. यहाँ आपके सामने ये जो मैंने स्क्रीन रखा है यहाँ आपको बीटा भी दिखेगा, ये देखिए ये बीटा है, ओके, डीम स्टार है. तो ये बीटा वाला स्टार है. ये सब तारों को जोड़ जोड़ के उन्होंने ऐसा स्टोरी बनाया कि दो हाइनास ना जो तारों के फॉर्म में दिखाया है वो अटैक कर रहे हैं बेबी कैमल को जो एक डीम स्टार है फिर से, और इस बेबी कैमल को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 फीमेल कैमल्स भी है
जो उसको बचाने की कोशिश कर रही है, न्यू ड्रैकोनिस, ढाई ड्रैकोनिस, गामा ड्रैकोनिस वगैरह वगैरह। तो नोमैड्स हु ओन द कैमल आर कैंप नियर बाय प्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग द कुकिंग ट्राइपॉड कंपोज्ड ऑफ एप्सिलॉन टाउ एंड सिग्मा ड्रैकोनिस। मतलब जिसको जो दिखा वो उस हिसाब से उसने अपनी अपनी स्टोरीज बताई। अभी हम चलते हैं कि ड्रैको का लोकेशन जो है, आपने सरकम पोलार तो देख लिया, ये 1083 स्क्वायर डिग्रीज कवर करता है आसमान की टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन में से। दिस इज 8th लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द नाइट स्काई। इट लाइज इन द NQ3 दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्वाड्रेंट 3 एंड कैन बी सीन बिटवीन द लैटिट्यूड +90° एंड -15°। ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपको समझ में आता है, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ, बट नहीं है तो लॉन्जिट्यूड मतलब रेखांश और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए पक्का, क्योंकि हम जो मुंबई है उनका 19° लैटिट्यूड है, औरंगाबाद थोड़ा ऊपर की तरफ है तो वो और 20 के आसपास वगैरह होगा। नीचे की तरफ जाएंगे गडिंग्लास को आप और कम में जाएंगे तो उस हिसाब से पोल स्टार आपको हॉराइजन के ज्यादा करीब दिखेगा। ओके, आर्य मतलब राइट असेंशन जो है इस कॉन्स्टिलेशन का 17 आवर्स, डिक्लिनेशन जो है +65° है। इट इज बेस्ट विजिबल एट 9 PM ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ड्रैको बिलोंग्स टू द अर्सा मेजर फैमिली ऑफ कॉन्स्टिलेशन अलॉन्ग विद द कोमा बेरिनेसिस, बूटस, कैमिलोपार्डिलिस, कैनिस वेनेटिसी, करोना बोरियालिस, लियो माइनर, Linux, Ursa Major, Ursa Minor. Neighboring constellations are the Bootus, Camelopardalis, Cepheus, Cygnus, Hercules, Lyra, Ursa Major, Ursa Major and Ursa Minor. अभी हम इनके तारों के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं एडिट होगा कि नहीं होगा, लगता है हो रहा है क्या, चलो देख लेते हैं। ये घूम रहा है, सॉरी भाई रुक जाओ, हो नहीं रहा है लगता है, नहीं हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए था, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप थुबान देख रहे हैं, ये जो थुबान है ये बहुत इंपॉर्टेंट तारा है, इसको याद रखिए। फिर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ये आपको मालूम है क्या है, ये पोलारिस, छोटा करता हूँ तो आपको दिखेगा, ये पोलारिस। फिर मैंने आपको अभी थुबान दिखाया था, फिर पोलारिस दिखाया, फिर मैं लेके जा रहा हूँ अल्दरा मीन नाम का तारा है। ये सेफियस का ये जो बड़ा तारा है ना, ये अल्दरा, अभी मैं आपको फिर से छोटा कर रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ लायरा में से वेगा। ओके, अभी मैं पढ़ रहा आपके लिए, ये सोचिए जो मैंने अल्दरा मीन दिखाया था सेफियस कॉन्स्टिलेशन, जो मैंने लायरा दिखाया था, लायरा में वेगा नाम का अभिजीत नाम का तारा दिखाया था, फिर मैंने इधर थुबान दिखाया था ड्रैको कॉन्स्टिलेशन में, और अर्सा माइनर में पोलारिस दिखाया था। पोलारिस, अल्दरा मीन, वेगा, थुबान, इनको पकड़ के जोड़ने की कोशिश करनी। तो मुझे मालूम है आप जो बनाओगे वो कुछ एक उल्टा पुल्टा टाइप का पॉलीगॉन बनेगा। इस पॉलीगॉन को पोलारिस से जाते हुए, थुबान से जाते हुए और अल्दरा मीन से जाते हुए, वेगा को छोड़ दीजिए, से जाते हुए एक सर्कल बनाओगे अगर आप, तो ये है वो प्रिसिजनल सर्कल जिससे हमारा नॉर्थ पोल का एक्सिस का प्रिसिजनल मूवमेंट होता है। और तकरीबन 26,000 सालों में इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर पूरा पाथ कंप्लीट होता है नॉर्थ पोल का, जिसके कारण हमारा पोल स्टार बदलता रहता है। मतलब अभी अगर हमारा पोलारिस पोल स्टार है तो तकरीबन 3-4 हजार साल पहले थुबान था, और आगे की तरफ जाएंगे तो 7,000 साल बाद अल्डरा मीन हो जाएगा, फिर और 7,000 या 6,000 मतलब आज से 12-14 हजार साल बाद लायरा के आसपास हमारा पोल नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, और फिर घूम फिर के वो एल्टा नीन से होते होते आगे जाके वो थुबान की तरफ फिर से बढ़ेगा। सबसे परफेक्ट डायरेक्शन में होने वाला थुबान एक है और दूसरा पोलारिस है, बाकी सब थोड़े अप्रोक्सीमेटली पॉइंटेड है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। एल्टा नीन इज द ब्राइटेस्ट स्टार,
Eltonian is also known as the gamma draconis. Apparent magnitude इसका 2.36 है, मतलब काफी ब्राइट है. स्पेशल क्लास है इसका स्पेक्ट्रल K53, लोकेटेड 154, मतलब 155 लाइट ईयर हमसे दूर है ये. बेसिकली 471 टाइम्स मोर लुमिनियस है ये सन से और 72% मोर मास देन द सन. इट इज द प्रीटी इजी टू फाइंड द नाइट स्काई क्योंकि लाइंग विद नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेगा, वेगा के जस्ट बगल में है आप देख सकते हो, और वेगा आराम से रात के आसमान में आपको दिखेगा क्योंकि बहुत ब्राइट है. अप्रोक्सीमेटली इसका तो मैग्नीट्यूड 0 स्केल पे 0 और उसके पॉजिटिव साइड में और निगेटिव साइड में हम स्केलिंग करते हैं, तो 0 के आसपास वेगा का मैग्नीट्यूड माना जाता है और उसको काफी ब्राइट पकड़ा जाता है. ओके दूसरा द स्टार नेम कम्स फ्रॉम द अरेबिक एटिनिन विच मीन्स द ग्रेट सर्पेंट, मतलब एक महाकाय सांप. इट इज समटाइम्स नोन एज अ जेनिथ स्टार बिकॉज इट लाइज क्लोज टू द जेनिथ पॉइंट डायरेक्टली ओवर हेड इन लंडन. इन अबाउट 1.5 मिलियन ईयर द स्टार विल पास विद इन द 28 लाइट ईयर्स ऑफ द अर्थ एंड बी द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. ये बहुत जरूरी है कि ये जो एल्टानियन आज हमको 2.36 मैग्नीट्यूड का दिखता है वो सबसे ब्राइट दिखेगा. सबसे ब्राइट आज के डेट पे हमको दिखता है सीरियस जिसका मैग्नीट्यूड है -1.41 या 42. तो ये 2.36 से होते हुए 1.41 को क्रॉस करेगा 1.5 मिलियन ईयर्स, मतलब 15 लाख साल बाद अगर जो कोई होंगे उनको ये 155 लाइट ईयर्स की दूरी वाला तारा वहां से घूम घूम के 28 लाइट ईयर्स के दूरी पे आ जाएगा और तभी काफी ब्राइट दिखेगा, सीरियस से भी ब्राइट दिखेगा. ओके तो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग्स जो अविरत हमेशा बोलता है कि मैं भी कहीं से उसको कॉपी करके ही आपको बताता हूँ, बट इसी बहाने आप मुझे चांस मिल जाता है पढ़ने का और आपको मैं कुछ जो पढ़ता हूँ वो सुनने का चांस मिल जाता है. थुबान के बारे में हमने काफी पढ़ा, ये अल्फा ड्रैकोनिस है, यहाँ दिख भी रहा है आपके चित्र में. इसका अपरेंट मैग्नीट्यूड 3.64 है एंड अप्रोक्सीमेट 303 लाइट ईयर्स की दूरी पे है. इट इज 250 टाइम्स मोर ल्यूमिनियस देन सन. इट थुबान इज अ डबल स्टार और इसका जो अरेबिक मतलब है इसका भी मतलब द स्नेक ही होता है. अभी वो सब सारी चीजों में हम जाएंगे नहीं. इट कैन बी फाउंड बाय वेरी सिंपल टेक्निक. आपको मैं करके दिखाता हूँ थुबान कैसे ढूंढना. आप देख रहे हैं थुबान को, अभी थुबान के सामने अरसा मेजर के दो बिंदु लाइन में, कौन से, मेरैक सॉरी फेकड़ा और मेग्रेज. तो ये जो आपको थुबान दिख रहा है और ये जो अरसा मेजर या बिग टिपर दिख रहा है, इसमें आपको जो ऊपर का ना क्रतु सप्तर्षि के तारे आपको मैं मालूम है, क्रतु पुलह पुलस्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीच. तो क्रतु पुलह से हम पोल स्टार ढूंढते हैं और क्रतु पुलह पुलस्य अत्रि, पुलस्य और अत्रि का स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप थुबान को पकड़ोगे. तो आपको थुबान दिख रहा है तो पुलस्य और अत्रि कौन से है वो आपको अभी समझ में आ गया. तो ये जो मैं आपको अरसा मेजर में दिखा रहा हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर को एडिटिंग नहीं मालूम, तो पहले मैं एडिटिंग करता था, अभी ये नहीं खींच रहा हूँ, तो मुझे आज के लिए. बट आई होप कि तुम लोग को थुबान कैसे पकड़ना है. ये थुबान बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 3942 और 1793, मतलब पकड़ लीजिए 4000 BC टू 2000 BC के बीच में ये नॉर्थ पोल स्टार था अपना. ओके पृथ्वीवासियों का, तो ये जो पृथ्वीवासियों का नॉर्थ पोल स्टार था, इसी पीरियड के दरमियान इजिप्ट के पिरामिड बने और उसके ऊपर ममी 1 बनी, ममी 2 बनी और ममी 3 भी बनी, और मैंने वो देखी भी बीच में टाइम पास के तौर पे. आप लोग भी देखते होंगे इन पिरामिड्स के टॉप मोस्ट एरिया में एक विंडो रहता था और उस विंडो से एक तारा परमानेंटली दिखता था और वो था पोल स्टार
और उस जमाने में पोल स्टार था थुबान, दैट इज अल्फा ड्रैकोनिस। तो ये ममी से जुड़ा और उस सभ्यताओं को भी पोल स्टार या एक स्टेबल तारा जो सेट या राइज नहीं होता है इसके बारे में पता था। तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से काफी देर तक हमने ये कॉन्स्टिलेशन की स्टडीज की। अभी हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे डीप स्काई ऑब्जेक्ट का। फोटो देखिए जो आगे जाके रात के आसमान का ब्राइट तारा होने वाला है अगले 15 लाख साल में। फिर हम बढ़ेंगे कैट्स आई नेबुला की तरफ। कैट्स आई नेबुला ऑल्सो नोन एज एनजीसी, न्यू जनरल कैटलॉग नंबर 6543 और क्लैडवेल ऑब्जेक्ट नंबर 6, ये प्लेनेटरी नेबुला है विथ द विजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ 9.8। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेबुला, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेबुला एवर डिस्कवर एंड इज थॉट टू बी अराउंड 1000 ईयर्स ओल्ड। इट वॉज फॉर्म्ड व्हेन द ब्राइट हॉट स्टार लॉस्ट इट्स आउटर एनवेलप इन द रेड जायंट फेज। कैट्स आई नेबुला वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन फेब्रुआरी 1786। The nebula is around 3300 light years away from Earth. The central star belongs to the spectral class O7 and is about 10,000 times more luminous than the sun. White dwarf होगा ना, तो obviously वो बहुत bright होगा, दिख भी रहा है ये जो photographs है, ये बहुत ही high power telescope से या फिर Hubble Space Telescope से या अभी जो आजकल James Webb वगैरह गया है इनके इस्तेमाल से इनको इतना माइन्यूटली स्टडी किया जाता है। तो इट इज थॉट टू बी बाइनरी सेंट्रल स्टार एंड इज थॉट टू बी द ओनली स्लाइटली मोर मासिव देन द सन। तो ये है भाई कैट्स आई नेबुला, पक्का याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वगैरह इसके ऊपर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ये स्पिंडल गैलेक्सी है, स्पिंडल होता है ना अपने बहुत सारे गाड़ियों में रहता है, बहुत सारी जगह पे रहता है, स्पिंडल की तरह दिखता है, तो इसको स्पिंडल बोलते हैं गैलेक्सी। स्पिंडल गैलेक्सी इज आल्सो नोन एज द मेसियर ऑब्जेक्ट 102 एनजीसी 5866। इज अ स्पाइरल और लेंटिक्यूलर गैलेक्सी विद द अपेरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 10.7। इट इज लोकेटेड अराउंड 50 मिलियन लाइट ईयर्स, मतलब 5 करोड़ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, डिस्कवर्ड बाय अगेन पेरे मैकेन और चार्ल्स मेसियर एंड देन इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय द विलियम हर्शल इन 1788। Spindle Galaxy is one of the brightest galaxy in the NGC 5866 group. इसमें डस्ट का डिस्क है, थोड़ा अनयूजुअल टाइप का, पर अभी उसमें नहीं जाते हैं। अभी हम ये टैडपोल होते हैं ना बारिश में, अगर आप देखते हो ना कहीं भी पानी जमा होगा तो उसमें टैडपोल होते हैं। तो इन टैडपोल जैसी दिखने वाली भी एक गैलेक्सी है, तो उसको लोगों ने नाम दिया टैडपोल गैलेक्सी। Is the disrupted, collided, bad spiral galaxy that is located 400 million light years away from the solar system. It has visual magnitude of 14.4 and notable for its enormous trail of stars about 280,000 light years long. ये जो लंबी पूंछ दिख रही है ना, वो 280 light years लंबी। The shape of the galaxy is thought to be the result of the gravitational traction with a smaller, more compact galaxy. Okay, the galaxy contains number of clusters of massive bright blue stars. अभी हम चलेंगे आगे की तरफ। ये भी एक ऐसे ही क्लस्टर है, NGC 6340, spiral galaxy है with a visual magnitude of 11.9, located roughly 52 million light years away from us. NGC 6503 is a dwarf spiral galaxy, has apparent magnitude of 10.2. It was discovered by the German astronomer Arthur Auer in July 1854 and around 17 million light years away from us. It lies in the region of a space known as a local void, which is large empty region of space next to the local group of galaxies. The NGC 6503 galaxy has cluster similar to that of the Milky Way, and but it is only about a third of the sun. One third size का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी meteor shower की बात करेंगे, Eta Draconis की, discovered by
इन फेब्रुवरी 4, 2011 लेटेस्ट डिस्कवरी है नोटेड 6 मीटियोर्स विद अ कॉमन रेडिएंट इन अ शॉर्ट पीरियड इट्स पेरेंट इज प्रीवियसली अननोन लॉन्ग पीरियड कॉमेट पहले कोई डेब्री छोड़ के गया है वापस अभी तक आया नहीं उसको ढूंढा भी नहीं गया है ऐसे अननोन कॉमेट ने इसका ड्रैकोनिड्स का इटा ड्रैकोनिड तारे के पास से मीटियोर शावर होता है जिसको डिस्कवर किया गया 2011 एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़ा जानते हैं ड्रैको कॉन्स्टिलेशन के बारे में कि ये जो ड्रैको है समटाइम्स रिप्रेजेंटेड द टाइटन सन ऑफ गाइया टाइफून ट्रेडिशनल अरेबिक एस्ट्रोनॉमी डज नॉट डिपिक्ट ड्रैगन इन द मॉडर्न डे बट ये मदर कैमेल और उसकी फैमिली और उसको बचाने की टोटल जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है ड्रैको मॉलफॉय जो हैरी पॉटर सीरीज में है उसका नाम ड्रैको कॉन्स्टिलेशन के अनुसार रखा गया है The main character in 1996 film Dragonheart gets his name from the Draco constellation. तो ये सारी स्टोरी थी आपके Draco constellation की लूनार लेक के बारे में विस्तार से फुर्सत में पढ़ेंगे अभी हम इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है आप जाओगे कभी तो आपको मालूम होना चाहिए तो मैं आज सिर्फ ये हमने पढ़ा था अप्रैल में का स्काय उसको सिर्फ मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे रखा है और ईटा एक्वेरिडिस जो यहाँ लिखा है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए इसलिए रखा है तो भाई 6 तारीख को रात को मतलब 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को आपको ईटा एक्वेरिडिस दिखेगा एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन से 30 मीटियर्स पर आवर इज अ क्वाइट अ गुड नंबर 10-20 भी छोड़ो 5-6 आता है तो कोशिश करिए पीपीटी रोक के भी आप उसको देख सकते हो अभी मुझे बताइए क्या और एक कॉन्स्टिलेशन खत्म किया जाए एरा कॉन्स्टिलेशन अभी कितने लोग सब प्रेजेंट है सानिया शैल वी कंटिन्यू फॉर अनदर 10-15 मिनट्स पुट इन चैट बॉक्स सो गए नेटवर्क का प्रॉब्लम यस ठीक अविरत ओके सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड एरा अभी ये जो एरा कॉन्स्टिलेशन है ये कॉन्स्टिलेशन बिल्कुल ही फेमस नहीं कारण सिंपल है क्योंकि एरा कॉन्स्टिलेशन एक्चुअली आसमान में बहुत ही फीबल कॉन्स्टिलेशन और ऐसे फीबल कॉन्स्टिलेशन को देखना या दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये बेसिकली पहले नर्तुरंग मतलब सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा था उरुक मतलब लेपिस कॉन्स्टिलेशन में भी इसको पकड़ा जाता था फिर लाइकिल नाम का एक जो स्काई ऑब्जर्वर था उसने अंकनी मतलब नॉर्मा नाम का नया कॉन्स्टिलेशन बनाया और उसके कारण ये जो नर्तुरंग सेंटोरस और उरुक के बीच के कुछ तारे रह गए उनको उसने आरा सेंटोरी नाम दिया अभी आरा सेंटोरी की मतलब नर्तुरंग मतलब सेंटोरस बेसिकली एक किरण है जो बहुत ही होशियार ऐसा प्राणी है पृथ्वी के ऊपर का ऐसा माना जाता था उसको बैठने के लिए जो आसन है या उसका जो पीठ है वो व्यासपीठ जो है वो बेसिकली एरा मतलब सेंटोरस को आसनाधीन होने के लिए उस किरण को बैठने के लिए एक पीठ व्यासपीठ बनाया गया उसको बोलते हैं एरा तो ये आपको अभी बिल्कुल ब्राइट नहीं है बट फिर भी है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे इसका राइट एसेंशन 16 hours 34 minutes और 18 hours and 10 minutes के बीच में है डिक्लिनेशन -45° to -67° एरिया बहुत ही छोटा है 237 square degrees 63rd नंबर पे आता है साइज में मेन स्टार तो 8 है बायर फ्लैम स्टीड मेथड से जाओगे तो 17 है स्टार्स विद प्लैनेट 7 है स्टार ब्राइटर देन 3 magnitude 2 ही है आप समझ सकते हो कि इसमें मेसियर ऑब्जेक्ट भी नहीं है मीटियर शॉर भी नहीं होता बॉर्डरिंग कॉन्स्टिलेशन हम चित्र में देखेंगे तो आपको समझना यहाँ एरा कॉन्स्टिलेशन दिखाया ये वो सेंटोरस का बैठने का जगह है यानी उसका व्यासपीठ है उसको थोड़ा अच्छे से दिखाने का काम यहाँ पे किया है
व्यासपीठ कैसे दिखता है वो मुझे मत पूछो, मुझे भी नहीं समझ में आता है। फिर यहाँ उसको चित्र स्वरूप में दिखाया, नॉर्मा बगल में है, ओके लैसेर्टा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट है ये आए, अब देख सकते हो क्रक्स बहुत ही साउथ की कॉन्स्टिलेशन है, पाओ भी, मयूर भी बहुत साउथ की कॉन्स्टिलेशन है, उन एसेंटोरस है और उसके ऊपर एरा, मतलब तो बहुत ही ज्यादा साउथ की तरफ है, बट अपने इधर से आराम से दिखती है क्योंकि सेंटोरस ही अपने यहाँ से आराम, स्कॉर्पियस भी दिखती है, लिब्रा दिखती है। तो ये नीचे की जो है करीना का कुछ हिस्सा, ओके ये सब चीजें अपने यहाँ ठीक से नहीं दी। एनीवेज तो ये जो है इसको आप फुर्सत से देख लीजिए प्रेजेंटेशन को। अभी हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो मैप है उसको बड़ा करके थोड़ा देख लेते हैं, ओके। अल्फा का आपने मैप देखा था वो 3 के आसपास था, बीटा भी, तो ये 2-3 सितारे ही 3 मैग्नीट्यूड के आसपास है, बट हॉराइजन के इतने करीब है सदर्न हॉराइजन के कि उसके कारण वो ठीक से दिखते नहीं। एरा का लैटिन मतलब है अल्टार, ओके सदर्न कॉन्स्टिलेशन बिटवीन द स्कॉर्पियस दिख रहा होगा आपको, टेलीस्कोपियम, ट्रायंगुलम एस्ट्रेली एंड नॉर्मा, ओके वन ऑफ द ग्रीक बल्क नेमली 48 कॉन्स्टिलेशन जो सेकंड सेंचुरी टॉलेमी ने दिए थे उसमें भी था, 88 जो नए बने उसमें भी है, ओके। ऑरेंज सुपर जायंट बेटा एरे नाम का एक ब्राइट स्टार इसमें है, ओके विथ अ नियर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 2.85 marginally brighter than any of the other like alpha array se bhi ye brighter, okay the milky way cross part of the era constellation within the constellation learn one a super star cluster that contains the red supergiant westerland 1-26 one of the largest star known, ye iske liye bahut zaruri wo hum dekhenge aage jaake, iske liye era constellation bhale hi theek se nahi samajh mein aata hai पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो इन हाउस करता है लार्जेस्ट स्टार नोन कॉल्ड वेस्टरलैंड 1-26। हिस्ट्री यही है कि एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एरा वाज आइडेंटिफाइड एज अल्टार वेयर द गॉड फर्स्ट मेड ऑफरिंग्स एंड फॉर्मड एन अलायंस बिफोर डिफीटिंग द टाइटंस, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट कॉन्स्टेलेशन डिपिक्टेड बाय द टेलेमी, इट वाज रिकॉर्डेड बाय द अरारस इन 270 BC टू द होराइजन, अल्मागेस्ट मतलब वही टॉलेमी ने लिखा हुआ ग्रंथ प्रोट्रेस द स्टार्स फॉर फार एज साउथ गैमा एरे, अभी गैमा आप देख सकते हो यहाँ पे ये गैमा है बीटा के, तो ये भी पुराने जमाने में आइडेंटिफाई किया गया था, ओके। इन इलस्ट्रेशन एरा इज यूजुअली डिपिक्टेड एज अ कॉम्पैक्ट क्लासिकल अल्टार विद इट्स स्मोक राइजिंग साउथवर्ड, हाउएवर द डिपिक्शन ऑफन वेरी इन डेज ऑफ प्रिंटिंग 1480 the woodcut of the gaseous Julius Hagenes, a classical Perigon astronomic cone, depicts the altar as a surrounded by the demons. Johannes Bayer in 1603 depicted Hera as the altar with the burning essence, and Huygens depicted the same through his features devils either side of the flames. तो बहुत सारी चुटकू पुटकू ना जानने वाली कहानियां जो फॉरेन माइथोलॉजी से एसोसिएटेड है वो सब है। चाइनीज एस्ट्रोनॉमी में इसका थोड़ा स्टोरी अलग है, एरा लाई विद इन द एज्यूरे ड्रैगन ऑफ द ईस्ट डोंग फैंग क्विंग एंड 5 स्टार्स ऑफ द एरा फॉर्म आर द टॉर्टोइज व्हाइल अनदर 3 फॉर्म आर द चू मींस बेस्ट, तो ये सारी चीजें है जिसमें हमारा रुचि कम होगा क्योंकि ये माइथोलॉजी हमें थोड़ी ज्यादा नहीं पता हो, हम जाएंगे इसके अंदर के डिटेल्स जानने, उसके लिए थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, जस्ट गिव मी सेकंड। NGC 6193 द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द एरा इज क्रॉस्ड बाय द गैलेक्टिक प्लेन ऑफ द मिल्की वे, ओपन क्लस्टर वन ऑफ देम इज NGC 6193 अ डिफ्यूज नेबुली इंक्लूडिंग द ब्राइट क्लस्टर नेबुला पेयर ऑफ 1-6-188, तो ये जो है ये नेबुलस पैटर्न है, ओके द ब्राइटेस्ट ऑफ द ग्लोबुलर क्लस्टर 6 मैग्नीट्यूड
6397 also exists here, okay, जो हमसे तकरीबन 6500 लाइट ईयर्स की दूरी पे। इसी तरीके से ये 6397 है जो ब्राइट ग्लोब्यूलर क्लस्टर है, ये 7200 लाइट ईयर्स की दूरी पे है और नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बेटा एरे नाम के स्टार के आसपास है। इसके अंदर तकरीबन 4 लाख स्टार है, 4 लाख मतलब 400,000 तारे इसके अंदर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नॉर्मली यूज करते हैं, क्लस्टर इज नोटेबल फॉर द नंबर ऑफ ब्लू स्ट्रैगलर दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लस्टर। व्हाट इज ब्लू स्ट्रैगलर? ब्लू स्ट्रैगलर इज द मेन सीक्वेंस स्टार दैट आर ब्लू 2 to 3 टाइम्स मोर मासिव एंड फ्यू मैग्नीट्यूड्स अबाउट द स्टार दैट द मेन सीक्वेंस टर्न ऑफ पॉइंट फॉर द क्लस्टर। तो हमारा सूरज भी मेन सीक्वेंस में ही आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इससे भी थोड़ा हाइयर लेवल पे ये तारे रहते हैं ब्लू के, क्योंकि हमारा जो है वो येलो है एंड सुपर जायंट वगैरह नहीं है, एवरेज तारा है हमारा सूरज। तो 6397 सुपर क्लस्टर के बारे में, अब स्टिंग रे नेबुला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टिंग रे नेबुला इज अ प्लैनेटरी नेबुला, 18,000 लाइट ईयर्स दूरी पे है अर्थ से। यंगेस्ट प्लैनेटरी नेबुला नोन है, सेंट्रल स्टार इज अ व्हाइट ड्वार्फ एंड हैज कंपेनियन ऑफ 0.3 अर्थ सेकंड अवे फ्रॉम इट। मतलब इस नेबुला का जिसका मैग्नीट्यूड ही तकरीबन 10-11 के आसपास है, उसके सेंटर में भी एक नहीं बल्कि 2 तारे। ओके, दिस स्टिंग रे नेबुला इज 130 टाइम्स लार्जर देन आवर सोलर सिस्टम। स्टिंग रे नेबुला फर्स्ट ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेशन वॉज मेड अराउंड 1987। A planetary nebula that might have binary system and center, as तरीके से उसको identify किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 तारे तो दिख ही रहे हैं, जिसकी कृपा से हमको ये दिख रहा है, उन महान लोगों को आप थैंक यू बोल सकते हो इंटरनेट पे ढूंढ के। ये 6326 है, ये 6326 भी एक इसी तरीके से एक क्लस्टर है, जिसके बारे में यहाँ पे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर डनलॉप ने उसको 1826 में ढूंढा। इसके अंदर के तारे 13.57 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड कंपोज मोस्टली ऑफ द इवॉल्व्ड रेड सुपर जायंट। एनजीसी 6326 इज अ इररेगुलर प्लैनेटरी नेबुला इन एरा, विजुअल मैग्नीट्यूड इज 12.2, ओके, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज 11,000 लाइट ईयर। एनजीसी 6300 बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, जैसे आप चित्र में देख सकते हो, इसको सेफर्ड गैलेक्सी के टाइप में भी डाला जाता है। विजुअल मैग्नीट्यूड तकरीबन 8.78 है और डिस्टेंस 5 करोड़ किलोमीटर का है। इट इज सस्पेक्टेड टू कंटेन ब्लैक होल विद अ मास ऑफ 3 लाख टाइम्स द सन। तो ऐसा गैलेक्सी के बारे में बहुत सारा जानकारी नेट पे है। एनजीसी 6352 इज अ ग्लोबुलर क्लस्टर विद अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8, ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 7.1 इंच इन साइज एंड लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। क्लैडवेल ऑब्जेक्ट नंबर है 93। इंडिविजुअल स्टार्स कैन बी रिजॉल्व इन अ 6-inch लार्जर टेलीस्कोप। अभी जाते हैं एरा सुपर एरा क्लस्टर की तरफ। ये एरा क्लस्टर जिसमें वेस्टर्लैंड 1 नाम का तारा है, is a compact young open cluster having 12,000 light years distance from us. Abhi ye jo Westerland 1 hai, after Benguet Westerland, the Swedish astronomer who discovered it in 1961, Westerland 1 is one of the most massive young cluster in our galaxy. It contains unusually high number of stars, jinke baare mein thoda janne ki koshish karein. एक मिनट, इसका मास जो है 30 टाइम्स दैट ऑफ द सन। इट्स अ होम ऑफ 6 येलो हाइपर जायंट्स, 3 अदर सुपर रेड सुपर जायंट्स एंड 24 उल्फ राइट स्टार। ओके, अभी लास्ट है वाटर लिली नेबुला। ये देख सकते हैं आप, वाटर लिली की तरह ही दिख रहा है। ये बेसिकली कैटलॉग्ड एज IRS 16594 इज अ प्री प्लैनेटरी नेबुला फाउंड इन अ एरा। प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग में है ये, और इसको डिस्कवर किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से।
There are several myths associated with this constellation regarding the defeat of Titans, overthrow of the Cronus, वो सब चीजों में हम जा सकते हैं 2 मिनट अगर आप दे रहे हो तो. तो ये है बेसिकली कि अरा रिप्रेजेंट्स द अल्टार ऑन विच द ज्यूस मतलब देवों का राजा अनदर गॉड्स ओ टू डिफीट द टाइटंस एंड ओवरथ्रो द क्रोनस हु रूल्ड द यूनिवर्स. क्रोनस वाज वन ऑफ द 12 टाइटंस हु हैड डिस्पोज्ड हिज फादर यूरेनस द प्रीवियस रूलर व्हेन प्रोफेसी सेड दैट द सेम फेट वुड बीफॉल ऑन क्रोनस and he would be defeated by one of his own children to prevent it from happening he swallowed his own children. ये थोड़ा ऐसा मैचिंग नहीं लग रहा है कंस वाले स्टोरी के साथ थोड़ा अलग टाइप से. तो बच्चों का नाम था हेस्टिया डेमिटर हेरा हेडस एंड पोसाइडन ऑल ऑफ देम फ्यूचर गॉड्स एंड गॉडेसेस. व्हेन द यंगेस्ट चाइल्ड ज्यूस वाज बोर्न द मदर रिया हिड हिम इन अ क्रेट एंड गेव क्रोनस अ स्टोन टू स्वालो telling him that the stone was the Zeus. जब ये स्टोरी से बचा हुआ ज्यूस बड़ा हुआ तो उसने क्रोनस को सारे आपके अपने भाई बहन को ओमिट मतलब पेट के अंदर से उसके निकाले उनको फ्री कर दिया ऑन उन्होंने फिर क्रोनस को ओवरथ्रो करने का कसम लिया फिर आगे जाके ओवरथ्रो भी किया फिर ओवरथ्रो करने के बाद खुद इस सारी चीज का राजा बना और ज्यूस राजा बना आसमान का पोसाइडन को राजा बनाया गया समुंदर का हेडस को बनाया गया अंडरवर्ल्ड का. इस तरीके से ये सारी स्टोरी बुनी गई और भी बहुत सारी स्टोरी है उसमें अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं सोचा आपको ये बता. तो ये वाटर लिली वाले नेबुले के बाद छोड़ूंगा नहीं कुछ एमसीक्यू टाइप के सवाल भी पूछूंगा. व्हेन यू कैन सी कोरोना बोरियालिस बताओ स्प्रिंग में अभी बताओ बताओ मतलब आपको चैट बॉक्स में लिखना है. चलो पहले वाले का जवाब बताओ. व्हेन यू कैन सी कोरोना बोरियालिस लास्ट टाइम हमने कोरोना बोरियालिस पढ़ा इस बार हम लोगों ने ड्रैको पढ़ा तो मैंने कोरोना बोरियालिस और ड्रैको के ऊपर थोड़े थोड़े सवाल लिए. ओके बताइए स्प्रिंग मतलब मार्च पीरियड नहीं विंटर मतलब एकदम सितंबर अक्टूबर के बाद वाला पीरियड नहीं फॉल ऑटम नहीं समर समर का अंत हिस्सा मतलब जून मई जून में आपको कोरोना बोरियालिस बहुत अच्छे से दिखता है. आंसर वाज समर. व्हेन व्हिच इज द स्टार ऑफ कोरोना बोरियालिस अल्फेका है कि बॉब है कि आर्क्टुरस है कि अल्हना है आपको बताना है. ओके जहां पे अड्डे साविरत ने एक जवाब दिया था अभी बताओ कोरोना बोरियालिस का इसमें से कौन सा तारा है. अल्फेका वेरी गुड अविरत. नेक्स्ट अल्फेका जेम्मा दो नाम है ना उसके दैट इज अल्फा. व्हाट इज द कोरोना बोरियालिस नॉर्थ क्राउन है एंजल है सदर्न क्राउन है मेकअप नेम है मेडअप नेम है बताइए. कोरोना बोरियालिस मतलब क्या है नॉर्दर्न क्राउन है. ओके वो आपको मालूम होना चाहिए. कोरोना ऑस्ट्रियालिस मतलब सदर्न क्राउन. हाउ मेनी स्टार्स इन कोरोना बोरियालिस बताइए. 7 है 2 है 11 है 24 तो नॉर्मली फ्लैमस्टीड मेथड के हिसाब से जाओगे तो आप तकरीबन 24 के आसपास तारे कोरोना बोरियालिस में है. ड्रैको इज लैटिन वर्ड फॉर व्हाट ड्रैगन ड्रैको मॉल्फॉय ब्लिजार्ड और डायनोसर. नाउ यू ऑल नो इट्स अ ड्रैगन. बिगेस्ट स्टार इन ड्रैको कॉन्स्टिलेशन कौन सा है बताइए. पोलारिस है क्या गामा ड्रैकोनिस है क्या म्यू ड्रैकोनिस है क्या केल्टानिन है बताइए. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पहला पढ़ा विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन ड्रैको एल्टानी. ओके ड्रैको बॉर्डर कॉन्स्टिलेशन क्या क्या है अर्सा मेजर अर्सा माइनर है कि हाइड्रा एंड वर्गो है कैसियोपिया एंड सेफियस है कि बिग. तो अर्सा मेजर अर्सा माइनर मतलब बिग डीपर इज अर्सा मेजर बट लियो माइनर उधर जोड़ दिया तो वो ग्रुप में और कनेक्टेड नहीं है तो पहला आंसर है अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर. अभी आगे चलते हैं. मेन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स क्या है. चलो सडनली चेंज कर दिया हमने टॉपिक किसी को पता है. मेन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स CO2 है. व्हेन द अर्थ हाँ ये बहुत जरूरी सवाल है सबके लिए. व्हेन द अर्थ इज फार्देस्ट इफ लिखा क्या और इज होना चाहिए
when the earth is farthest from the sun, what season is in the north hemisphere? पृथ्वी सूरज से जब सबसे ज्यादा दूर होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होता है? चलो यार ऑटम्स एंड रेन्स को हटा देता हूँ, विंटर होता है क्या समर होता है उतना पता था। मैंने बोला समर होता है, बोलिए चलो क्या लिखा है देखो, व्हेन द अर्थ इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन विच सीजन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो भाव्या ने समर बोला, बाकी कितने लोग भाव्या को सपोर्ट करते है वो लिखिए, जो लोग नहीं करते वो अपना आंसर। तो अविरल, एंजल, रूपाली ये सारे लोग गलत हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज पृथ्वी से दूर होता है तब समर होता है। बात हो रही है सूरज के दूर होने की, बात इंक्लिनेशन के हिसाब से हमारे दूर होने की बात नहीं हो रही। एक है हाँ, एक है 23.5 डिग्री वाला एंगल और दूसरा है कि दूरी। तो दी समर इन अ सदर्न हेमिस्फीयर इज अ वेरी क्या बोल सकते हैं ट्रबलसम, क्योंकि पृथ्वी सूरज के करीब भी होती है और वो जो इंक्लिनेशन एक्सिस का जो 23.5 इंक्लिनेशन है उसकी वजह से वहां पे वो ज्यादा देर भी दिखता है। तो गर्मी करीबी के कारण भी और ज्यादा देर होने के कारण तो सेवियर कंडीशंस होता है वहां पे समर का भी, तो ऑब्वियसली विंटर का भी। अपने यहाँ दोनों भी चीजें इतनी हार्श नहीं। ओके तो ये था आज का शो, वी आर स्टॉपिंग हियर, लोनार लेक जो रह गया वो नेक्स्ट टाइम कवर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। सानिया जी आप मुझे कल कॉल कर सकती है, तो आपका जो पेंडिंग आंसर है बाकी चीज का वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके थैंक यू सो मच, नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास, गुड नाइट। ओके चलो प्लीज लीव द क्लास। चलो जय क्लास लीव करो।